आपने देखा हो, डॉक्टर ने रिम्स के डॉक्टर ने जो बुलेटिन जो जारी की उसमें ये था कि 50% जो किडनी जो है काम कर रही है। और काफ़ी दिन भी हो गया था मेरे को मिले हुए, उनकी सेहत को जानने में वो भी बातें हुई। और पार्टी में क्योंकि हमारे राष्ट्र अध्यक्ष हैं तो पार्टी में क्या काम हो रहा है उसकी भी सूचना हमने उनको दी। और उनको हमने बोला कि जो उनका जो इच्छा था कि समाज में हर एक कोई को पार्टी के संगठन में जो है भागीदारी मिले, वो हमने बताया कि वो हम लोगों ने आरक्षण जो है जैसा आपका निर्देश था उस हिसाब से हम लोगों ने काम किया, संगठन तैयार हो गया। और इससे काफ़ी उनको खुशी हुई कि अति पिछड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम लोगों ने अकोमोडेट किया, दलित समाज के लोगों को अकोमोडेट किया और संगठन जो है प्रदेश से लेकर के सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोगों ने दुरुस्त किया है। और आगे का जो कार्यक्रम है जैसे बेरोज़गारी हटाओ यात्रा, इसकी भी जानकारी हमने उनको दी है। तो बाकी सेहत को लेकर के और जो पिता और बेटे में जो बातचीत होती है जो साधारण बात वो हुई। अभी आप निकल रहे थे तो अकस्मात दरवाजे से लौट करके गए और शक्ति सिंह गोहिल जी से बात हुई, क्या ऐसा हुआ कि आपको लौट के जाना पड़ा फिर बात करके दोनों लोग साथ आ रहे हैं? नहीं नहीं, पता चला, हम लोगों की तो बातचीत होती रहती है हमेशा, और पता चला पटना में हैं और आज ही लौट रहे हैं, तो हमको भी रांची से आज ही आना था पटना, इस वजह से कई दिनों से मुलाकात नहीं हो पाई। तो इनका फ्लाइट का जो टाइम था बेहतर जगह जो थी उस हिसाब से एयरपोर्ट ही थी और हमारी मुलाकात हुई इनसे। और हम लोगों को तो हम लोग तो साथी लोग हैं अभी से नहीं, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का बड़ा पुराना रिश्ता है और हमेशा साथ रहे हैं, दुख की घड़ी हो सुख की घड़ी हो। और आने वाला जो समय है जो चुनौतियां हैं मिल करके हम लोगों को लड़ना है और हम लोग लड़ेंगे। झारखंड भी साथ थे, दिल्ली भी साथ थे, सारे विधानसभाओं में हम लोगों ने साथ खड़े होकर के जो चुनौतियों का सामना किया है। तो हम लोग आगे वाले जो चुनाव हैं एक चुनौती के तौर पे हम लोग ले रहे हैं और हम लोग मिलजुल करके जो है आगे लड़ाई लड़ेंगे। गिरिराज सिंह ने आज देवबंद को लेकर के बड़ा बयान दिया है उन्होंने कहा है कि देवबंद में आतंकवाद की गंगोत्री बहती है, हाफिज सईद जैसे आतंकवादी वहाँ से पैदा होते हैं। अब देखिए, हमको कुछ कहना नहीं है, नफरत की राजनीति बहुत हो गई और मेरे ख्याल से झारखंड के चुनाव के बाद और दिल्ली के चुनाव के बाद अभी भी लोग भाजपा के लोग जो है सबक नहीं सीखे। इनका पूरा एजेंडा ही है कि सोसाइटी को कॉम्युनलाइज करो। गिरिराज सिंह जी को बोलिए कि बहुत भूखमरी है देश में, गरीबी है, बेरोज़गारी है, बेबसी है, गुर्बत है, शिक्षा लोगों को नहीं मिल पा रही है, स्वास्थ्य चिकित्सा सब बदहाल है, महंगाई है, जीडीपी देश का डाउन है, आर्थिक मंदी है। जो जिम्मेदारी देश की जनता ने आपको दिया है उस पर थोड़ा काम करें। आप सीधे पाकिस्तान इमरान खान से तो नीचे बात ही नहीं करते आप, तो इसलिए देखिए इन लोगों का और कोई काम नहीं है, कोई मतलब नहीं है, जनता की सेवा नहीं, विकास नहीं बल्कि विनाश ये लोग चाहते हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने दिल्ली के